हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन अगर एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हम लोग थियरम सारे पढ़ चुके थे, यानी कि थियरम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जितने 15 थियरम हैं सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आप लोग अगर ना देखें ऊपर में तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चूँकि थियरम पढ़े रहेंगे तभी उसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थियरम पहले जरूरी है उसको समझना और प्रूव करने वाला समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सारे के सारे समझाया हुआ है कि हाँ कैसे उसकी उपपत्ति करते हैं, प्रूव करते हैं। तो प्रूफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आप लोगों को सारा समझाया गया है। तो 15 का 15 थ्योरम है, तो जितना आप लोगों को सिलेबस में वो आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सर्कल जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, बेसिस ऑन थ्योरम से, यानी कि जो थ्योरम के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वैसे जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसी के बेस पे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो उसी के बेस पे होगा। थ्योरम जितने पढ़े हैं 15 का 15 उसी के बेस पे जो होगा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, फिगर वाला क्वेश्चन है। तो फिगर वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि जो फिगर वाला क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो ऐसे आप लोगों को बुक में सबसे ज़्यादा फिगर वाला क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कई लोग मतलब घूम जाते हैं, लोग जैसे क्वेश्चन दिया तो कई लोग उसको पकड़ नहीं पाते लोग किस वे में किस थियरम पे है और कैसे इसको लाया जाता था, एंगल प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे वीडियो देखेंगे, तो आप लोग को उतना ही अच्छे समझ में आएगा। तो हम इसको मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, तो इसको 2 वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग दोनों बारी बारी देख लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड है। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड अगले वीडियो में आ जाएगा, जिसमें कि उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ज़्यादा कम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो और वीडियो कम टाइम में आप लोग अच्छे से इसको मतलब अचीव कर सकें जो हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सर्कल मतलब जो सर्कल पे डिपेंड हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे उसके बेस पे हम लोगों का एक प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं कि पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद से 2, 3 यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें बात कर देंगे, 3 पार्ट सेकंड में आप लोगों को मिल जाएगा। और वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन ही आप करवा रहे हैं। ये भी 2014 में पूछा गया लगभग हमें, तो उसी के मतलब बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं जो पूछे गए हैं, और ज़्यादा जो ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट लगा है वही बुक से हम लोग छाँट लिए हैं। और आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे आप लोगों को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए सर्कल से रिलेटेड या पीछे जो जितना टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप लोग उससे उसका आंसर आप पता कर सकते हैं कैसे लगेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन उनका क्या है। निम्नांकित चित्र में, यानी कि जो चित्र नीचे दिया गया है, बिंदु O वृत्त का केंद्र है और एंगल BOP 130 डिग्री, एंगल BOP। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये बी रहेगा और ये ए रहेगा। तो एंगल BOP कितना दिया है, 130 डिग्री। BOP कितना है, 130 डिग्री। एक्स का मान याद करना है, यानी कि इसका मान याद करना है। तो एक्स का अंश माप याद करना है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक एंगल गिवन है, तो हम लोग इसमें यही देखते हैं जो फिगर वाला क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएं, क्या हम लोग थियरम लगाएं कि जो ये मतलब हम लोग का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाए, मतलब जो हम लोगों का एंगल पूछ रहा है वो हम लोगों का निकल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को समझाते हैं कैसे लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए 130 डिग्री का है, तो अगर देखें तो एंगल BOP हम लोगों का क्या है, गिवेन है, BOP बराबर 130 डिग्री। उसके बाद से क्या देखेंगे हम लोगों को, एंगल अगर ये वाला निकालना है तो इसका जरूरत पड़ेगा, ये वाला कैसे निकलेगा, एक रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यानी कि BOP एंगल बनाए हैं तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। उसके बाद से क्या देखेंगे, 180 डिग्री का बन गया, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा। और उसमें से 130 घटा देंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, BOQ मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा, यानी कि एंगल BOQ बराबर एंगल POQ। आप लोगों को लिख के समझा दे रहे हैं, आप लोगों को ना समझ में आएगा तो आप लोग इसको ज़्यादातर ये कोशिश करिएगा शॉर्टकट में करने के लिए, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो एंगल BOQ ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री होगा, इसमें से कितना घटा देंगे, ये वाला BOP घटा देंगे, माइनस एंगल BOP
पी, इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी कि एंगल बी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक रेखा बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, उसमें से 130 डिग्री सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कितना आ जाएगा उनका बी ओ क्यू बराबर 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये कितना आ गया हम लोगों का 50 डिग्री, ठीक है 50 डिग्री। अब क्या देखेंगे, हम लोगों का ये एंगल ज्ञात करना है, तो हम आप लोगों को बता दें कि ये एंगल क्यों हम लोग ज्ञात किए हैं, क्योंकि आप लोग देखिए चाप बी क्यू यानी कि आर्क जो बी क्यू है इसी के द्वारा ये केंद्र पर कोण आंतरित कर रहा है, यानी कि कोण बना रहा है, यानी कि बी ओ क्यू एक चाप के द्वारा, आईसी चाप के द्वारा, बी ए क्यू के द्वारा ये परि मतलब सर्कमफेरेंस यानी कि जो इसका सर्कल का परिधि है उस पर कोण बना रहा है। तो यानी कि हम आपको बताए थे जब एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण हो और परिधि पर बना हुआ कोण हो तो उसे रिलेशन एक बताए थे हम परमेय सिद्ध करवाएं, तो आप लोग जाकर लिंक के डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ तो जाकर देख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा वैसे समझ लीजिए केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दो गुना होता है, या परिधि पर बना हुआ कोण हमको ज्ञात करना है तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिधि पर बना हुआ कोण क्या है उसी चाप के द्वारा, तो चाप बी क्यू के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बी ए क्यू है, बी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हाफ एंगल, कितना हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू हो जाएगा, क्योंकि बी ओ क्यू का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं तो 1/2 यहाँ पे 50 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री एंगल बी ए क्यू, जो एंगल बी ए क्यू है किसके बराबर है x के बराबर है, यानी कि x का वैल्यू हम लोग क्या निकल गया 25 डिग्री, जो कि हम लोग को यही याद करना था x का वैल्यू निकालना था। तो आप लोग देख लीजिए कैसे लग गया, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में जितना प्रत्येक जो क्वेश्चन हम लोग का है जितना बताएंगे उसमें सारे के सारे फिगर जो हैं वो किसी न किसी थियरम से रिलेटेड रहेंगे, ये सब सारे थियरम पे बेस हैं। तो आप लोग देख लीजिए पहला क्वेश्चन, अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स आते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन पर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर फिगर बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं फिगर बना हुआ है, अब क्या आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग इसको नोट करते जाइएगा अगर आप लोगों को बुक में ना मिले, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो आप लोग देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया निर्मांतिक चित्र में बिंदु वृत्त का केंद्र है, तो आप लोग जानते ही हैं वृत्त का केंद्र वो है, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग लिख सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हमने लिखे थे यहाँ पे वो लिख सकते हैं, वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का व्यास ए बी यानी कि ए वृत्त का व्यास क्या है यहाँ पे ए बी, व्यास क्या होता है तो आप हम बता चुके थे सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही व्यास कहलाती है, यानी कि जो सेंटर से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास कहलाती है, तथा जीवा ए सी बराबर ये एक जीवा है, क्योंकि एक जीवा किस लिए हुआ क्योंकि ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है इसलिए जीवा है, तो ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो जीवा बी सी का मान ज्ञात कीजिए, सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट में मिलाया गया जीवा कहलाता है, ऐसे भी आप लोग परिभाषा दे सकते हैं, सब पीछे कराए हैं आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा हम लोगों का थीरम लगेगा और कैसे उसको यूज करेंगे। आप लोगों को एक थीरम बताए थे कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, यानी कि अगर अर्धवृत्त के आधे में एंगल बने, मतलब अगर कोई सर्कल है सर्कल के अंदर जो उसमें हम लोगों का सबसे बड़ी जीवा जो सबसे बड़ी हम लोगों का जीवा होगा क्या होगा व्यास कहलाएगा, यानी कि व्यास होता है तो सर्कल को क्या करता है दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो अर्धवृत्त में दो पार्ट में होगा तो आधा वृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आधा वृत्त हो गया यहाँ पर जो हम एंगल प्रूव कराए थे यहाँ पर 90 डिग्री आया था ये आप लोग जानते हैं, तो चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख के एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री ब्रैकेट में लिखेंगे अर्धवृत्त में बड़ा हुआ कोण समकोण होता है, दोनों तरह से सही है, आप लोग दोनों तरह कैसे भी कर सकते हैं। जब आप लोग ध्यान दीजिए जब ये 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री का ठीक सामने का जो भुजा होता है ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री, क्यों क्योंकि परमेय हम लोग पढ़े थे परमेय के हिसाब से अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है और न कि प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है,
और देखिए जो एंगल यहाँ से कोई थीटा मान सकते हैं, मान लीजिए यही थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब है, ये आधार हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे साइन तो हम लोग को लगाना नहीं है, तो ऐसे थीटा का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे कुछ में कुछ कुछ भी इसको या लंब मानिए, इसको या लंब मानिए, किसी को मान सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस पर में लगेगा, ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिखेंगे समकोण, आगे लिख देंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे उसके हिसाब से क्या होगा, आप जानते हैं 90 डिग्री का जब समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्या लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम बोले उसमें कोई एक आधार मान लीजिए और कोई एक लंब मान लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो लिख लीजिए फार्मूला, लिख लीजिए कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब क्या करेंगे इसमें से, हम बोले कोई भी आधार मान लीजिए तो आप लोग कोई मान सकते हैं, तो यहाँ पर कर्ण के जगह पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लंब के जगह पर वैल्यू रखेंगे तो 8 का स्क्वायर, हम मान लिए कि एसी जो है वो लंब है तो एसी को हम लंब माने हैं, और ये बीच में प्लस रहेगा, प्लस आधार हम लोगों का बीसी है तो बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हम लोग बी सी का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका इसको पक्षांतर कर देंगे, घटा देंगे, जितना वैल्यू आएगा हम लोगों का हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, इतना में हो जाएगा क्वेश्चन रफ कर दिए, आप लोग देख लीजिए इसको, इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस का BC का होल स्क्वायर। BC का हम लोग को मान ज्ञात करना है तो BC को हम इधर कर देंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64। अब इसको सबट्रैक्शन करेंगे तो आप लोग जानते हैं सबट्रैक्शन करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13, ठीक। तो आप लोग दोनों ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर 36। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे तो BC बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि हम लोग को यही वैल्यू ज्ञात करना था BC का। तो इसका वैल्यू कितना आया, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, चूंकि सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। बाकी इसको ऐसे प्रूव करते हैं, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, कैसे भी आप लोग को जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में आप लोगों को और क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इसको यहीं पर रोक रहे हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे और क्या क्या है, तो आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें नीचे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे इससे जैसे आप लोग कमेंट करेंगे लाइक करेंगे तो इससे हम लोगों को हौसला बढ़ता है। तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा वीडियो लग रहा है, और लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। जो आप लोगों को रिलेटेड फ्रेंड हैं जो क्लास 10th 9th में पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग शेयर करते रहिए। इस पर अब डिप्लोमा की तैयारी होने लगी है, जो आप लोग जी कप का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, SSC JEE का वनडे एग्जाम का जितना देते हैं, आप लोगों को मैथ से रिलेटेड इस पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट चल ही रहा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।